हेलो दोस्तों, मेरा नाम ललित है और ये मेरा बेटा है कार्तिके और ये दूसरा बेटा है रुद्रा। ये बना रहा है वीडियो और हम एक ओनरशिप वीडियो बना रहे हैं किया के ऊपर। हमने अभी नई किया कैरेंस खरीदी है और जब से मैंने खरीदी और अपनी व्हाट्सएप स्टोरी पे लगाई तो मेरे बहुत सारे दोस्त यार रिश्तेदार और जानने वाले काफ़ी लोगों का फ़ोन आया और मुझसे पूछ रहे थे कि गाड़ी का रिव्यू कैसा है, कैसी चल रही है, उसके बारे में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस थे उनके। तो मैं सैनिटरी का काम करता हूँ, होलसेल का, मेरी टूरिंग भी रहती है, तो जनरल लोगों को मैंने सोचा क्यों ना सबको इसके बारे में कुछ ना कुछ जो मैं जानता हूँ वो मैं बताऊँ। अच्छा, थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं ये बता देता हूँ कि मैंने पहले बहुत पहले टाटा की मैंने गाड़ियाँ चलाई हैं, फिर मैंने मारुति की गाड़ियाँ स्विफ्ट डिज़ायर टाइप की बहुत सारी चलाई हैं। रिसेंटली जो लास्ट गाड़ी मैंने वो छोड़ी है, फोर्ड इको स्पोर्ट छोड़ी है। तो फोर्ड इको स्पोर्ट छोड़ने के बाद मैंने ये गाड़ी ली है और फोर्ड इको स्पोर्ट में और या पीछे जो गाड़ियाँ चलाई हैं और इसमें क्या फ़र्क है, मैं वही समझा पाऊँगा आपको। अब उसके फ़र्क के बारे में समझाने के और जो इससे लेटेस्ट गाड़ियाँ चला रहे हैं और ये गाड़ी में क्या फ़र्क है, मैं वो बताऊँगा आपको। आपको रिव्यू अच्छा लगे तो आप। तो इन्होंने लोगो जो है वो चेंज कर दिया, पहले गोल लोगो आता था, अभी इन्होंने ये स्टाइलिश सा थोड़ा कर दिया इसको, आगे से बहुत प्यारी है इसकी। अच्छा, जो ये वेरियंट है, ये वेरिएंट इसमें चार वेरिएंट कंपनी दे रही है। इसमें एक जो हमने लिया वो प्रेस्टीज, एक प्राइम है, एक प्रेस्टीज है, एक प्रेस्टीज प्लस है, एक लग्जरी है, लग्जरी प्लस है। हमने एक बेसिक वाले से एक ऊपर वाला लिया है और कुछ ना कुछ इस पर बाकी के एसेसरीज हम इसमें ऐड करवा ली है। अब इसकी जो मुझे चीज़ें बहुत अच्छी लगी, एक तो ये 7 सीटर में आ रही है, सबको पता ही है, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक चीज़ें मैं बताऊँगा चाहे वो आपको पता भी हो। तो एक तो इसमें 7 सीटर होने के लिए हमें हमारे पास एक लैब्राडोर डॉग है, तो डॉग के लिए हमें एक गाड़ी ऐसी देख रहे थे क्योंकि जब भी हम आउटिंग पे जाते हैं तो वो भी हमारा एक फैमिली मेंबर है, अगर उसको हम साथ नहीं लेके जाएंगे तो भी अच्छा नहीं लगता, और जब साथ लेके जाते हैं तो वो सारी सीटों के ऊपर वो निशान लगा देता है। तो हम ये गाड़ी देख रहे थे कि कुछ ऐसी गाड़ी मिल जाए। एक तो इसकी चाबी बहुत अच्छी है, दोनों चाबियाँ इसकी मिली हैं, ऐसी ही दोनों चाबी मिली है, ये नहीं कि एक सिंपल एक दूसरी, दोनों चाबी अच्छी मिली है। इस पर होल्ड करके रखेंगे और ये खुल जाता है। ये देखिए, मैंने उसकी सफारी भी देखी थी और 700 जो है उसकी भी गाड़ी देखी है, महिंद्रा की भी, सफारी टाटा की भी देखी, लेकिन जो बूट स्पेस इसमें मिल रहा है उन दोनों में नहीं है। हालांकि उनकी रेंज जो है 15 लाख से लेके 22-23 लाख रुपए तक की रेंज है, इसकी 10 लाख से लेके 20 लाख की रेंज है, लेकिन इसमें बूट स्पेस सबसे ज़्यादा है। नंबर दो, इसमें भी आप अपना सामान छोटा मोटा रख सकते हैं, कोई ज़रूरी सामान इसमें भी आ जाएगा, ये सामान आ जाएगा, और ये बूट स्पेस इसकी अच्छी है, और अंदर ये लाइट भी दी हुई है इसमें, बहुत सारी गाड़ियों में ये लाइट नहीं आती, इसमें ये लाइट भी दी हुई है, और ये हुक्स लगाए हुए हैं, हुक्स हैं ये, और ये देखिए यहाँ भी हुक्स हैं और यहाँ भी हुक्स हैं, मतलब पूरा कम्फर्ट, और इसको लगाने के लिए पीछे स्पेशली आप इसमें फंसा सकते हैं, मतलब ये नहीं कि बेल्ट इधर उधर घूमती रहेगी, वो वाला काम नहीं होगा। तो इसको अगर हम, जैसे आपको पता ही है चाबी को यूज़ करना कोई सिखाने की कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं, लेकिन फिर भी इसकी जो धुन बहुत अच्छी लगती है, टूं टूं बोलती है, मज़ा आ जाता है इसको खोलिए। मैंने अलग से उनसे लगवाया है, किया वालों से, ये मैंने बाहर से लगवाया है, एक आगे की चीज़ भी मैंने लगवाई है, ये भी बताना था, पीछे लगाई, आगे गवर्नमेंट की तरफ से बैन है, आगे हम नहीं लगा सकते, क्योंकि मेरी पिछली दो गाड़ियों में ना पीछे से लोगों ने ठोक दिया था। इको स्पोर्ट के पीछे एक लाल रंग का वो ढक्कन सा देते थे 15,000 रुपये का, वो जैसे ही नहीं खरीदी थी एक बंदे ने लाके बाइक ठोकी और पूरा वो टूट गया 15,000 रुपये का। अब ना हम तो लड़ सकते हैं ना बोल सकते हैं किसी को। तो फिर मैंने उसकी प्रोटेक्शन के लिए पता किया कि इसके लिए चलान तो नहीं कटता, तो मुझे ये बताया गया कि चलान इसका नहीं कटता है, तो मैंने ये लगवा लिया। और ऐसे ही एक मेरा जानने वाला मेरा दोस्त है, उसने ये लगवा रखा था, उसने बताया कि एक मोटरसाइकिल वाला उस पर भी आके यहाँ पे ऐसे लगा हुआ था, अगर ये ना होता तो सारा ये दरवाज़ा डैमेज हो जाता। तो ये दोनों की प्रोटेक्शन के लिए मैंने ये बाहर से लगवाई ये दोनों चीज़ें। अंदर ये स्टैंड था 19,000 रुपये का, और बाहर मुझे ये पीछे का गार्ड और आगे का दोनों मिला के 12,000 रुपये में लग गए। ये लुधियाना में मॉडल टाउन में है बंदा, वो लगाता है, रेट भी ठीक है, प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, वो मैं आपको रेकमेंड कर दूँगा। अच्छा, ये बंद हो गया ऑटो लॉक, हाय हाय हाय, मज़ा आ जाता है। अच्छा, आगे आते हैं हम, बहुत अच्छा इसमें स्पेस, इतना अच्छा स्पेस है, मतलब इको स्पोर्ट चलाने के बाद, मतलब इको स्पोर्ट मेरी वन ऑफ द बेस्ट गाड़ी है जो मैं चला रहा था, लेकिन इसमें मुझे मज़ा आ गया, बहुत अच्छा स्पेस है। आप, मैंने ये ऊंची करके रखी हुई है,
ये सीट इसको आप ऊंची नीची आगे पीछे हर तरीके से कर सकते हैं। ये मैंने ऊंची की है फिर भी आप देखिए, और इधर की स्पेस आप पूरी देखेंगे बहुत बढ़िया है। और अगर हम नीचे देखते हैं जो फुट रेस्ट है इतना बढ़िया, बिल्कुल कंफर्टेबल फुट रेस्ट है इसका, ये देखिए बिल्कुल कंफर्टेबल है, बहुत बढ़िया लॉन्ग ड्राइव के लिए आप देखेंगे ये एकदम बढ़िया है, पूरा पूरा पैर आराम से आता है यहाँ पे, ठीक है। बाकी मैंने मैनुअल ली है तो एक ये पे इन्होंने जो बटन दे रखे हैं वो थोड़ा सा जो मुझे पता है मैं बताना चाह रहा था, एक जैसे हम बहुत ज़्यादा चढ़ाई उतराई के लिए टेढ़े रस्तों पे जा रहे हैं तो ये एक बटन दे रखा है इन्होंने, ये दबा देंगे तो ये अपने आप ऑटो कंट्रोल होती है। ये लाइटिंग ऊपर नीचे करने के लिए आपको पता ही होगा, ये आप कॉइन्स या कोई भी अपना सिक्का और कोई विजिटिंग कार्ड या नॉर्मल दूसरा क्रेडिट डेबिट कार्ड डाल सकते हैं इसमें, ये चीज़ें यहाँ आ जाती हैं। बाकी इसके ऊपर की बात करेंगे, हॉर्न आपने सुना ये बहुत प्यारा हॉर्न है इनका, ये वॉइस कंट्रोल आ गया, मोड आ गया। अब थोड़ी सी मैं आपको इग्निशन पे करके दिखाऊंगा, इग्निशन करते हैं तो बहुत बढ़िया है, ये बता रहा है कि दोनों डोर खुले हैं, ऊपर ही सब कुछ आ जाता है, आपके टायर की कितना प्रेशर है, टायर का प्रेशर कम है ज्यादा है, सब चीज आपको इसी पे बताएगा, ये एवरीथिंग इसके ऊपर है, बहुत अच्छा है, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन्होंने जो भी यूज कर सकते हैं इन्होंने की है इसके ऊपर। अगर म्यूजिक सिस्टम आगे जो रुद्रा आपको कुछ चीजें के बारे में बताएगा, चल रुद्रा बता। तो यहाँ पे जो है हमें अपना जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये पूरा डिजिटली है एक तरीके से, और यहाँ पे हमें एक 8 इंच की जो डिस्प्ले मिल जाती है जिसको कि ये ऑटोमेटिक एंड्रॉइड ऑटो से कनेक्ट हो जाता है, और वायरलेस और वायर्ड दोनों है इसके अंदर, इसके अंदर आप कॉल कर सकते हैं, और ये कुछ इसके और फीचर्स है। तो और अगर आप यहाँ से जाएंगे तो आपका जो पुराना ऐप है वो भी खुल सकता है यहाँ से, वॉइस असिस्टेंट है यहाँ पे, और आपके जो हैंडल है उसके हैंडल के ऊपर भी आपका वॉइस असिस्टेंट का कंट्रोल आता है, और दो इसमें हैलोजन ये बल्ब हैं येलो कलर के जो पुश पे ऑफ होते हैं अगर आपके जो डोर्स है वो क्लोज हो तो। डोर कर दे, डोर क्लोज कर तभी पता चलेगा ना, ये मैं पीछे की सीट पे आ जाता हूँ तो इजी हो जाएगा आपको समझाना थोड़ा सा, अब दिखा तो, और जैसे ये बहुत अच्छी चीज है, सारे डोर लॉक होंगे ना, कोई खुला है खाना तेरा खुला है, अब देखिए और डोर क्लोज हो तो सारे अपने आप बंद हो जाएंगे अगर आपने उसको मैनुअल ऑन किया, और आपको जो है और आपको जो है यहीं पे बटन्स मिल जाते हैं, एक हमारी जो ऑटोमेटिक विंडो है जो ड्राइवर सीट की है, ये हमारे ORVM के कंट्रोल्स, ये पीछे के सीट्स के लिए विंडोज ऑन ऑफ करने का कंट्रोल, बाकी सारे आपको खुद ही करने पड़ेंगे, एक सिर्फ ड्राइवर साइड का आपको ये जो मिरर है ये ऑटोमेटिक मिलता है। तो अब यहाँ पे हमें एक मोबाइल के रखने की स्पेस मिल जाती है, एक ये चार्जिंग सॉकेट आ जाता है 12 वोल्ट का, एक टाइप सी मतलब जिनके पास आईफोन है उनके लिए भी यहाँ पे पूरा ध्यान रखा गया है, एक USB आ जाता है, और ये पार्किंग सेंसर्स का ऑन ऑफ बटन, ये हिल डिसेंट कंट्रोल आ जाता है, और ये तो हमारा जो मैनुअल AC है वो है ही है, ये ऑटोमेटिक भी है सॉरी, और मैनुअल गियर, और ये आर्मरेस्ट आ जाती है जिसके अंदर आप सामान सामान रख सकते हैं, और इसे खोल के आप और सामान भी रख सकते हैं। फिर और आ जाते तो ये पार्किंग सेंसर के बारे में आपको बताना चाह रहा था, ये सेंसर बहुत कमाल की चीज है, ये मैंने पहले मेरे किसी गाड़ी में था नहीं, ये फ्रंट पे लगे हुए हैं, आपके आसपास कोई भी गाड़ी आती है तो ये ऑटोमेटिकली टू 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 करना शुरू कर देता है, मतलब उससे थोड़ी सी कई बार परेशानी भी होती है कि यार इतनी दूर है गाड़ी, लेकिन ये जो जिनको थोड़ी कम चलानी आती है उनके लिए तो बहुत बढ़िया चीज है, अच्छी लगी चीज, आप इसको ऑफ कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा, लेकिन जैसे कोई और गाड़ी नजदीक आने शुरू होगी तो ये टू टू करना शुरू कर देगा, मतलब लगभग 1.5 फुट के नजदीक, इससे ज्यादा नहीं, 1.5 फुट का, ये चीज मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी। लाओ पीछे दो ना, एक और यहाँ पे भी आ जाता है, तो यहाँ पे हमें एक टिकट होल्डर यहाँ पे मिल जाता है, और दूसरी साइड पे हमें सिर्फ वैनिटी मिरर मिलेगा, ऊपर लाइट नहीं मिलेगी, लाइट आपको यहीं से यूज करनी पड़ेगी। तो अब ओवर टू पापा। अच्छा अब ये इसमें एक तो ये दे दिया इन्होंने हवा वगैरह के लिए, नीचे दो आपके लिए ये है चार्जिंग के लिए, या मोबाइल या कुछ भी आप रख सकते हैं, बाकी अभी सीट कवर्स वगैरह हम डलवाएंगे, तो ये इन्होंने बहुत अच्छा किया, अपने हिसाब से बंदा इसको चेंज कर सकता है, लाइटिंग यहाँ पे है, मतलब हर चीज का ध्यान रखा है बंदे ने। अगर आप मान लीजिए ले रहे हैं गाड़ी तो ऐसा नहीं है कि पैसे की आपको पूरी इसमें कीमत मिलेगी। अच्छा इसकी जो सबसे बेस्ट जो फीचर वो दिखाते हैं ये है, आपको ढूंढने की करने की
मैं एंडेवर में बैठा था, मेरे दोस्त की एंडेवर है, उसमें बैठा, उसमें बाहर निकलने के लिए इतनी परेशानी हो रही थी बार 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 बार, लेकिन ये तो बहुत ही बढ़िया, बंदा पीछे वाला बंदा बैठा आराम से खुद ही करके और निकल सकता है, ये चीज़ बहुत बढ़िया है। पेट्रोल वर्जन लिया है इसका, इसमें इन्होंने किया ने एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की, बाकी मुझे पता नहीं ये किया ही ऐसे कर रहा है या सबका है, इनका जो प्राइस है किया का, मान लीजिए डीजल का प्राइस 100 रुपये है तो पेट्रोल का प्राइस भी 100 रुपये ही है, इन्होंने बाकी कंपनियों 1.5 लाख रुपए का फर्क रखती हैं दोनों तरफ से, लेकिन इनका सेम प्राइस रखा हुआ है, तो चॉइस अपनी अपनी है। और एक और है कि इनकी 15 की एवरेज पेट्रोल की है और 20 या 21 की एवरेज समथिंग कुछ बताते हैं, 15-16 की है पेट्रोल की, 20 से 21 की है डीजल की, लेकिन मैंने फिर भी पेट्रोल वर्जन ही लिया है। आप सोचेंगे कि जब रेट बराबर था और उसका 15-16 की एवरेज थी तो फिर पेट्रोल क्यों लिया, उसके दो कारण थे। एक तो मैं थोड़ा सा पर्यावरण प्रेमी हूँ तो मेरे घर में बहुत सारे पौधे और ये सब चीज़ें, मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार जो हम कर सकें एटलीस्ट वो करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 5 साल गाड़ी चलाएंगे कितने का फ़र्क पड़ जाएगा, आप उसमें कैलकुलेशन लगाएंगे को बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है उसमें, तो अगर उसकी रक्षा हम कर सकते हैं तो करें, एक पॉइंट ये था। सेकंड, अगर हम इसको फाइनेंस के तरीके से सोचें तो अभी मारुति तो सारे इंजन जो है वो पेट्रोल के ही लानी शुरू कर गई है, डीजल बंद कर गई है, और आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि कंपनियाँ पेट्रोल इंजन पर ही आ जाएंगी, डीजल बंद ही हो जाएगा, तो एक तो वो पॉइंट था। नंबर 3, जैसे दिल्ली जैसे शहर में 10 साल के ऊपर गाड़ी अब बंद कर दी तो कल को हमने बेचनी है या कुछ भी है, वैसे तो 5-7 साल के बाद बंदा हर कोई बेच ही देता है गाड़ी, एक वैसे जनरल एक दिमाग में ये भी पॉइंट है कि इसको हम 15 साल तक और एक आगे लेके जा सकते हैं, तो ये छोटे छोटे पॉइंट मेरे माइंड में और भी थे जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता था वो आगे। और इसकी जब हम इसको ओपन करते हैं, एक रुद्रा ने मुझे ध्यान दिलवाया कि जब हम इसको, बहुत ही प्यारा आता है इसका लुक, रुद्रा उधर से आएगा तो नज़र आएगा ना, तो चाबी को लगाऊंगा, क्या प्यारी इसमें फील आती है, ये देखिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। इसकी जो हम इंजन स्टार्ट करते हैं ना, मैं इंजन स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको, और एक चीज और दिखाता हूँ आपको, इधर मीटर भी दिखाना, इधर ये देखना, रेस देते हैं तो ये ऐसे ऐसे उसके जो लाइन्स है ना वो ऊपर नीचे आती है, मजा आता है देखने में, मतलब मुझे बहुत खुशी है इसकी, इस गाड़ी लेने से मैं पूरा पूरा खुश हूँ इस गाड़ी से। अब एक दो चीजें आप ये सोचेंगे कि सब चीज इसकी अच्छी बता रहा है, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी लगी मुझे जब गाड़ी तेज, मैं थोड़ा सा स्पीड में चलाता हूँ, इसकी इसकी जो पहली वार्निंग है वो 80 पे आती है और सेकंड वार्निंग जो है 100 पे आती है, मेरी फोर्ड इकोस्पोर्ट थी तो उसका 100 और 120 था, तो मैं जनरली 100 पे तो चलाता ही हूँ, जनरल 100 पे रखता हूँ मैं गाड़ी, तो इसमें मुझे ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, वो शायद सेटिंग हो जाएगी तो मैं जाके चेक करवाऊंगा उनको कि मुझे 100 पे करना है, ये 80 और 100 बोलता है, वो 100 और 120 थी, एक ये लगा। और एक इसकी लाइटिंग की मुझे हल्की सी लगी कि शायद लाइट सेट नहीं है प्रॉपर या लाइट थोड़ी सी मुझे कम लगी, ये दो चीजों पे पॉइंट लगे जो मुझे लगा कि इसमें और ज्यादा बढ़िया हो सकते थे या करने चाहिए कंपनी को आने वाले टाइम में। और हाँ, गाड़ी जब स्पीड पे भी चलाते हैं तो बहुत बढ़िया चलती है, मक्खन की तरह चलती है। एक इसके जो गियर है उसमें मुझे 5 थे, इसमें 6 गियर है, मुझे नहीं पता आजकल की गाड़ियों में सब में शायद 6 आते हो तो मुझे नहीं पता, इसमें 6 गियर है। और एक चीज मुझे इको स्पोर्ट या मारुति की गाड़ियों में जो पहले मैंने यूज की है उसमें तो नहीं थी, शायद आज की गाड़ियों में हो तो मुझे पता नहीं, जब हम मान लीजिए मैं गाड़ी चला रहा हूँ और लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा हूँ, कहीं कुछ सोच रहा हूँ और सोचते सोचते गाड़ी मैंने गियर नहीं डलाई, तो यहाँ पे गियर अपने आप वो बताता है कि आप 2 नंबर पे शिफ्ट करो, 4 पे शिफ्ट करो, 6 पे शिफ्ट करो, वो खुद ही आपको वो गाइड किया। जैसे अभी न्यूट्रल कर दिया है, ये गाड़ी मैंने न्यूट्रल कर दिया अपनी, अब देखिए मैं इसको पहला गियर डाल रहा हूँ और इसको जैसे चलाऊं ये देखिए ऊपर 2, अभी 3 आ रहा है, जैसे चलाऊंगा ये ऊपर आएगा, इसको ये देखिए 3 लिख के आ गया, ये बोल रहा है 3 में डालो, ये 3 में डाल दिया, अब आगे रश आ गया, तो ये चीज दिखाना चाह रहा था मैं आपको करता है। तो कुछ चीजें इसकी अमेजिंग लगी, मुझे बहुत पसंद आई गाड़ी। और भी कुछ आप इसके बारे में जाना, और इसके स्पीकर्स जो बहुत अच्छे हैं, सिंपल स्पीकर मिले हैं लेकिन बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरीके की, अगर हम तो मतलब हर तरीके से मैं सेटिस्फाई हूँ गाड़ी से। कि अगर इसके पीछे की जो स्पेस है जिसको ये 7 सीटर बोलते हैं, मैं ये कहूँगा कि 700 नंबर जो महिंद्रा की है और सफारी की है उनकी सीटें और इसकी सीटें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप इसमें बैठोगे और उसमें बैठोगे, बहुत खुली डुली सीटें हैं, वहाँ पे 2 बंदे बहुत मुश्किल से सेट आते हैं और यहाँ पे 3 बच्चे 4 बच्चे आराम से आ सकते हैं उसमें, मतलब कम से कम 1 बच्चा एक्स्ट्रा आ जाएगा इसमें, ये 100% बता रहा हूँ, मुझे कोई कंपनी से कमीशन नहीं मिल गया भाई, सच में बता रहा हूँ।
मैंने ये मुझे लगभग 14 लाख कुछ हजार रुपए में पड़ी है, 14 लाख के आसपास पड़ी है सारा कुछ फिट करवाने के बाद। 14 लाख में ये गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। पेट्रोल टर्बो लिया मैंने, पेट्रोल नॉर्मल वाली पेट्रोल जो है शायद 2 लाख सस्ती है वो, तो वो लेता तो शायद 11 लाख की थी और ये 13 की और 1 लाख रुपए का और तामझाम जो भी होता है वो हो गया। तो 14 लाख रुपए में गाड़ी वन ऑफ द बेस्ट है भाई। अगर किसी का बजट 15 के आसपास का है और वो 10 से लेके 15 खर्चना चाहता है, मैं महिंद्रा की सारी देखी है मैंने, टाटा की नेक्सॉन अच्छी गाड़ी है, लेकिन इसकी लुक, इसके फीचर, इसको चलाने के बाद मतलब। और एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ, मुझे कई लोगों ने ये बोला कि यार तूने कोई सिफारिश डाली थी क्या कि तेरे को गाड़ी कैसे जल्दी मिल गई। ये मैं 2 तारीख के आसपास कंपनी के दादा के शोरूम में गया था लुधियाना, और वहां पे जाके उन्होंने एक पंफलेट जो इनका कैटलॉग टाइप का होता वो दिया उन्होंने और बोला कि ये गाड़ी नहीं आने वाली है। मैं एक्चुअली सेल्टोस देखने गया था, तो सेल्टोस किसी दोस्त के पास थी, उसने बोला काफी अच्छी गाड़ी है एक बार देख के आना। तो मैं सेल्टोस देखने गया था, तो वहां पे देखा कि ये उन्होंने बोला ये पंफलेट आया है, आप इसका अगर 25,000 जमा करवा दोगे तो ये 7 सीटर, जब उसने 7 सीटर बोला और उसने बजट मुझे यही बोला 15 के आसपास आपको अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, तो मैं वैसे 2 तारीख को मैं उसको दे आया पेमेंट 25,000 रुपए, मैं उसको पकड़ा के आ गया, जमा करवा दिए 25,000। उनका फोन आया 6 या 7 तारीख को कि 9 तारीख को इनकी लॉन्चिंग है, आप एक बार लॉन्चिंग पे गाड़ी आके लाइव देख सकते हो। तो मैं लॉन्चिंग पे गया, 9 तारीख को जाके मैंने गाड़ी देखी, मुझे गाड़ी पसंद आ गई, मुझे पंपलेट से ही पसंद आ गई थी लेकिन जाके देखी तो गाड़ी पसंद आ गई। तो मैंने बोला कि प्राइस बताओ, तो वो प्राइस उन्होंने बोला कि 15 तारीख को प्राइस आएंगे जी, तभी हम गाड़ी दे पाएंगे। तो फिर मैंने गाड़ी तो पसंद ही थी, मैंने 1,00,000 रुपया फिर जमा करवा दिया। तो मैं 15 तारीख को गया उनके पास, फोन पे बात करके गया था, तो 15 तारीख को मैं उनके पास गया, तो 15 को उन्होंने मुझे रेट वेट दिए कि ये रेट है। तो मैंने तुरंत इनको जो पैसे मैं कैश देना चाहता था या जो मैं लोन करवाना चाहता था वो पैसे मैंने इनको कैश दे दिए, और लोन भी मेरा साथ के साथ, क्योंकि मेरा सिबिल स्कोर अच्छा था तो मुझे बिल्कुल साथ साथ ही लोन भी सेम डे ही हो गया। तो मैंने 15 और 16 को इनको सारी पेमेंट करके मैं घर में आ गया। तो इन्होंने बोला कि आपको 15-20 दिन में, महीने में गाड़ी मिल जाएगी, जो कि पहला लॉट आता है कंपनी को। उन्होंने बताया, जो शोरूम के लड़के थे उन्होंने, सेल्समैन, उन्होंने बताया कि एक लॉट जब गाड़ी बनती है नहीं आती है उसके, कुछ हर डीलरशिप को कुछ लॉट में गाड़ियां मिलती हैं 30, 35, 25, उसमें से शायद आपकी पहले लॉट में आ जाएगी और आपको 15-20 दिन में गाड़ी दे देंगे। मैं कहा ठीक है। तो मुझे 17 तारीख को फोन आया कि जी आपकी गाड़ी रेडी है और आपकी पेमेंट आएगी थी बैंक से और आप अपनी जमा करवा गए थे, आके गाड़ी ले जाओ। तो ये 17 तारीख शाम को लेके आया था, 18 या 19 को शायद मैं ये चिंतपूर्णी माता पे लेके गया हूँ, चढ़ाई चढ़ी है, माता पे माथा टेक के आया हूँ। तो ये नहीं कि मैंने हिल में नहीं चलाई या मैंने भीड़ में नहीं चलाई, मैंने हर जगह ये गाड़ी चलाई है, 200 किलोमीटर चल भी गई है। हाँ, वो मतलब जर्नल में तो खड़ी रही है, अभी 4-5 दिन तो खड़ी रही है, लोगों के बार बार फोन आ रहे थे गाड़ी के बारे में पूछने के लिए, तो मैं हरेक को बता रहा था ये है वो है ये है वो है। तो लगभग मैंने जो मेरे को पता है, इसके हो सकता और भी कोई ड्रॉबैक हो या और भी कोई अच्छाइयां हो तो वो मैं अब धीरे धीरे चलाऊंगा तो पता चलेंगे, लेकिन जितनी पता थी वो मैंने कोशिश की है इसमें कवर करने की, और ये वीडियो मैं लगभग सबको भेज दूंगा ताकि वो आराम से तसल्ली से देख लें। इसके बाद भी अगर किसी को कुछ पूछना है तो मैं जरूर बताऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा नंबर लगभग सबके पास है तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है सेफ्टी फंक्शन से भरी पड़ी है, जैसे अभी ये पार्किंग सेंसर्स की वो आ गई, पार्किंग सेंसर्स अपने आप ऑन हो जाते हैं, इसको ऑफ करना है तो ये ऑफ हो गया, वहाँ पे ऑफ हो गया, और अब जैसे इसको ऑन किया वहाँ पे आने लग गया कि गाड़ी ज्यादा पास आ गई। तो मैंने आपको अब दिखाना था, एक तो जैसे कि इसकी जो सीट्स है इसमें सेफ्टी फीचर्स भर के दिए हुए हैं, जैसे फोर डिस्क ब्रेक्स आ जाती हैं इसके अंदर, और बाकी हिल डिसेंट कंट्रोल और वो सब कुछ तो भरा पड़ा है, वो तो आप इसके जो पैम्पलेट वगैरह उस सब में भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको दिखाना था कि इसके अंदर जो सेफ्टी फीचर है दोनों सीट्स में, जैसे भी सीट बेल्ट एक इन्होंने लगाई हुई है, मैंने नहीं लगाई हुई तो वहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो और वो आवाज भी बीप भी करती है, टूं टूं। अब जैसे अगर मैं इस सीट से उठ जाऊंगा ना तो थोड़ी देर बाद ऑप्शन बंद हो जाएगा, जैसे अगर मैं अभी उठ गया तो अभी ऑप्शन बंद हो गया, मैं फिर से बैठूंगा फिर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। तो इसका मतलब इन्होंने सेफ्टी का बहुत कंट्रोल रखा है, क्योंकि जो किया और होंडा किया उसकी सेफ्टी की रेटिंग तो सब जानते हैं। और इसमें 5 एयरबैग है भाई, 6 एयरबैग है, तो वो भी बेस मॉडल से ही, ये तो बहुत ही कमाल की चीज है।